नमस्कार दोस्तों, आज अच्छा थोड़ा सा गमछा उमछा देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक पूजा हो रहा है, अष्टजाम हो रहा है और उसको यज्ञ कहेंगे आप। तो ये जो अष्टजाम हो रहा है और बहुत दिन बाद हो रहा है, लगभग 20 साल बाद, नहीं सर? ये हमारे मित्र हैं चंद्रकांत सर और ये खुद सरकारी टीचर हैं, तो और हमारे मित्र भी हैं और रिश्ते में हमारे चाचा भी लगते हैं। और हम अभी अपने रूम पर हैं, हॉस्टल में, जो कि मेरा गांव में है, महतमस्ती जेल, आपने कई बार सुना होगा। तो अभी चूंकि बगल में यज्ञ हो रहा है, आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी और पूरी झांकी हम आपको दिखाएंगे जो कलश यात्रा चला है। दो दिन से कलश नहीं हुआ है और एक दिन और नहीं होने वाला है, वो इसलिए कि यहाँ पर चारों तरफ पूरे गाँव में साउंड बढ़ा हुआ है और चूँकि 24 घंटा अष्टजाम चलेगा तो भजन कीर्तन होते रहेगा, ओम शिवा शिव राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, तो ये लगातार जारी रहेगा। और ये जो मंदिर नया बना है उसी के उपलक्ष्य में ये जो है अभी अष्टजाम हो रहा है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं हमारे बाबा दानी, बाबा ब्रह्म और माँ काली का जो मंदिर बना है और उसका जो कलश यात्रा चला है। हालांकि एक पार्ट हम और बनाने वाले हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, लेकिन इस वीडियो में चूँकि बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो दृश्य था देखने लायक था। और सबसे बड़ी बात थी सर कि इस कलश यात्रा में डीजे और चाहे जो भी बैंड बाजे थे, पर कहीं पर कोई अभद्रता अश्लीलता नहीं थी। इसके लिए मैं अपने तमाम साथियों और ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और प्रणाम करूंगा, क्योंकि इन सब ने मिलकर इस कलश यात्रा को सफल बनाया। और इससे क्या होता है कि हमारे समाज का, गांव का मान सम्मान बढ़ता है और एक संदेश जाता है बाकी जगह भी कि भैया जब कोई पूजा पाठ होता है तो वहां पर होता है, हमारे यहां क्या होता है कि सरस्वती भसान हो रहा है, अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचा गया। और इसके लिए सभी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस तरह की कोई डिमांड नहीं हुई और सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के अब सोचते हैं, अच्छा लगा। और ख़ास के उन युवाओं को, हमारे साथियों को जो हमारे गांव में रहते हैं और गांव से दूर भी रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या काम करने के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन उन लोगों के सहयोग से 3-3 मंदिर का निर्माण हुआ है एक साथ, तो बहुत अच्छा लगा है इस चीज़ को देख कर, सारे लोगों ने सहयोग किया है। और चलिए थोड़ा सा झलक दिखाते हैं आपको भी, क्योंकि हमारे गांव से जुड़ा हुआ है और जिनको अच्छा लगता है उनके लिए वीडियो ज़रूरी है, जिनको अच्छा नहीं लगता है तो भैया ये आपके लिए बकवास होगा, आप इस वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं क्या सर। और बाकी हम अपने तमाम साथियों से मिलवाएंगे एक वीडियो में जो कि हमारे गाँव से खास कर हैं, चलिए आगे देखते हैं।
चलो हेलो 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 हे